हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। हम बात कर रहे थे आयताकार विभव रोधिका की, जिसके अंदर हमने जब टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ई इज लेस देन वी नॉट, उस केस में हमने पार्टिकल के लिए परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक की गणना की थी। आज हम बात करते हैं यदि टोटल एनर्जी ई है वो वी नॉट से ज़्यादा हो तो परावर्तन और पारगमन गुणांक कितना होगा। हमारे पास है विभव रोधिका जो इस प्रकार की, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए, अर्थात इस विभव रोधिका की चौड़ाई कितनी हो गई हमारी, ए हो गई है। और ये इसका पोटेंशियल है वी नॉट, और ये इसका रीजन वन है, रीजन सेकंड है, रीजन थर्ड है। इस रीजन में हम मान लेते हैं तरंग फलन साई वन है, इस रीजन में साई सेकंड है, और इस रीजन में साई थर्ड है। और टोटल एनर्जी ई है वो क्या है, ग्रेटर देन वी नॉट है, अर्थात ये कण की कुल ऊर्जा है। इस केस में जो पार्टिकल है, एम द्रव्यमान का अगर कोई पार्टिकल है वो इस पोटेंशियल फील्ड से गुजरेगा, विभव क्षेत्र से गुजरेगा, तो उसके परावर्तन की कितनी प्रायिकता है और पारगमन की कितनी पॉसिबिलिटी है वो हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तरंग फलन चाहिए, अर्थात साई वन, साई टू और साई थर्ड, इन तीनों की वैल्यू हमें चाहिए। और अगर इन तीनों की वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हम उसके आधार पर कण के परावर्तन और पारगमन गुणांक की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं इस पोटेंशियल फील्ड को। ये पोटेंशियल फील्ड रीजन वन में क्या है, अगर मैं वी को कहता हूँ ये फंक्शन ऑफ एक्स है, उस केस में हमारा वी एक्स कितना है, जीरो। कब, जब एक्स हमारा लेस देन जीरो, अर्थात जब जीरो से कम है एक्स की वैल्यू तो पोटेंशियल जीरो। वी एक्स इज इक्वल टू वी जीरो कब, जब एक्स और ए के बीच में हमारा क्या है, जीरो और ए के बीच में एक्स की वैल्यू है। और वी एक्स इज इक्वल टू जीरो कब, जब एक्स ग्रेटर देन ए है। ये तीनों रीजन के लिए हमारा पोटेंशियल फील्ड डिफाइन हो गया है। अब हम इन तीनों तरंग फलनों की वैल्यू हमें चाहिए, तो इन तरंग फलन की वैल्यू हमें कौन देगी, श्रोडिंगर इक्वेशन। अब श्रोडिंगर इक्वेशन हमने पढ़ी थी दो प्रकार की होती है, एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। यहाँ हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है वो कौन सी काम आएगी, यहाँ हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन काम आएगी वो होगी टाइम इंडिपेंडेंट। क्यों होगी, क्योंकि हमने जब ये श्रोडिंगर इक्वेशन है वो टाइम डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी ये जब पढ़ा था तो हमने देखा था अगर पोटेंशियल फील्ड हमारा क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी कैसी हो जाएगी, टाइम डिपेंडेंट। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पोटेंशियल टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का फंक्शन है, इसलिए हमारे जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो काम में लेंगे यहाँ वो कौन सी होगी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजन वन की। रीजन वन में श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डी टू साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू साई वन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ई ऑफ द पार्टिकल इंटू साई वन हो गया। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, डी टू साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत है क्या इसमें, मान लेते हैं माना टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू के, अगर इसको के मान लिया तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी वो किस टाइप की बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी हमारी इस फॉर्म में आ जाएगी। ये क्या है, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना है, अगर इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें क्या देगा, साई फर्स्ट की वैल्यू देगा। तो इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, इनकी
ऑग्जिलरी इक्वेशन लिखते हैं, और वो ऑग्जिलरी इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये दो सॉल्यूशन इसके आ रहे हैं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन साई फर्स्ट वो कितना आ जाएगा, ए इंटू एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा के एक्स प्लस बी इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो यहाँ पे हमारा तरंग फलन आ गया साई फर्स्ट। इसका ये पार्ट हमें किसको बता रहा है, ए ई की पावर आयोटा के एक्स, ये बता रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही वेव के बारे में, और ये पार्ट हमें बता रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही वेव के बारे में। तो ये हमारा क्या है, साई फर्स्ट, जिसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, ए एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा के एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आयोटा के एक्स, जहाँ के स्क्वायर क्या था, टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं, किस रीजन में, सेकंड रीजन में। क्यों लिख रहे हैं अपन श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है सॉल्यूशन निकालना, किस चीज़ का, साई फर्स्ट साई सेकंड और साई थर्ड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो निकाल लेते हैं अपन, जब रीजन सेकंड में हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डी टू साई सेकंड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, सेकंड रीजन में देखो पोटेंशियल हमारा कितना है, वी नोट, क्या जाएगा, वी नोट इंटू साई सेकंड इज इक्वल टू ई इंटू साई सेकंड। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डी टू साई सेकंड ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी नोट इंटू साई सेकंड। जिसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो डी टू साई सेकंड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई माइनस वी नोट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई सेकंड इज इक्वल टू जीरो, इससे ही आ जाएगा हमारा। अब मान लेते हैं, माना टू एम ई माइनस वी नोट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू के वन स्क्वायर, के हम मान चुके हैं पहले, इसको हम मान लेते हैं के वन स्क्वायर। अगर इसको के वन स्क्वायर में लिखता हूँ तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी किस रूप में आ जाएगी, इस रूप में आ जाएगी, जो क्या है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन सेम उसी की तरह आएगा हमारा, साई सेकंड इज इक्वल टू एफ ई की पावर आयोटा के वन एक्स प्लस जी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आयोटा के वन एक्स, ये हमारा साई सेकंड आ गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, साई सेकंड इज इक्वल टू एफ ई की पावर आयोटा के वन एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के वन एक्स, जहाँ के वन स्क्वायर क्या है हमारा, टू एम ई माइनस वी नोट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी साई सेकंड, अर्थात रीजन सेकंड में श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हमें किस में चाहिए, रीजन थर्ड में श्रोडिंगर इक्वेशन चाहिए। तो रीजन थर्ड में श्रोडिंगर इक्वेशन हम निकाल लेते हैं, जो क्या आएगी, रीजन थर्ड में पोटेंशियल हमारा क्या है, अगेन जीरो है, क्या है, जीरो पोटेंशियल है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, साई थर्ड प्लस जीरो इंटू साई थर्ड इज इक्वल टू ई इंटू साई थर्ड, जिसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, साई थर्ड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई थर्ड इज इक्वल टू जीरो। टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को ऑलरेडी हम मान चुके हैं क्या, के स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी टू साई थर्ड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई थर्ड इज इक्वल टू जीरो। ये फिर से क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका सॉल्यूशन जैसे हमने पहला लिखा है उसी तरीके से इसका भी सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, साई थर्ड इज इक्वल टू आ जाएगा सी ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। यहाँ देखो इसके अंदर फिर से ये पार्ट किसको बता रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही वेव को,
ये किसको बता रहा है? नेगेटिव अक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही वेव को। हमें दोनों आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? अब देखो, ये हमारा क्या है? पोटेंशियल फील्ड है। यहाँ से कण चल रहा है, जब ये कण इस तरंग के रूप में चलेगा ऐसे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है इस रीजन में कि ये इस पोटेंशियल फील्ड से टकरा जाए और वापस क्या कर दे, परावर्तित हो सकता है। लेकिन ये कण अगर थर्ड रीजन में आ गया तो ये अब किस चीज़ से टकरा सकता है? यहाँ कोई पोटेंशियल ही नहीं है, थर्ड रीजन में कोई पोटेंशियल है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड रीजन से उस रीजन के अंदर नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव नहीं होनी चाहिए। होगा कि नहीं होगा ऐसा? इसलिए जो भौतिक प्रतिबंध है, हमारे फिजिकल बाउंड्री है, वो क्या कहती है? डी क्या होना चाहिए? जीरो। क्योंकि डी जीरो नहीं होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव मिल जाएगी, जो कि मिलनी नहीं चाहिए थर्ड रीजन में। इसलिए डी क्या हो गया? जीरो। तो साई थर्ड हमारा क्या हो गया? सी ई की पावर आयोटा के एक्स। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, साई थर्ड इज इक्वल टू सी ई की पावर आयोटा के एक्स। ये हो गए हैं हमारे तीनों तरंग फलन, साई फर्स्ट, साई सेकंड और साई थर्ड हो गए हैं। अब हमें क्या चाहिए है? अब हमारा मेन मकसद जो है वो है परावर्तन और पारगमन गुणांक। अर्थात कण इस पोटेंशियल फील्ड में अगर चल रहा है तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो परावर्तित हो जाए और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो पारगमित हो जाए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, परावर्तन गुणांक, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से। परावर्तन गुणांक होता क्या है? ये होता है परावर्तित धारा घनत्व एवं आपतित धारा घनत्व का अनुपात। अर्थात जो तरंग आ रही है, इंसिडेंट हो रही है पोटेंशियल फील्ड पे, उसका धारा घनत्व और जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसका धारा घनत्व का अनुपात हमारा क्या कहलाएगा? परावर्तन गुणांक कहलाएगा। तो हमने पहले डिफाइन किया है धारा घनत्व, जिसको अगर हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? माइनस आयोटा एच क्रॉस ओवर 2m साई स्टार ग्रेडियंट ऑफ साई माइनस साई ग्रेडियंट साई स्टार। ये फॉर्मूला है धारा घनत्व का किसी भी तरंग फलन के लिए। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? धारा घनत्व। यहाँ पे देखो, जब परावर्तित धारा घनत्व हम निकाल रहे हैं तो परावर्तित पार्ट कौन सा है तरंग का, तरंग फलन का? वो है हमारा ये बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। अर्थात जब मैं जे रिफ्लेक्टेड निकालूंगा तो उस केस में साई हमारा क्या हो जाएगा? बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स हो जाएगा। और वो वैल्यू इस फॉर्मूले में अगर आप रखोगे तो इसका मान आएगा हमारा एच क्रॉस के अपॉन एम इंटू बी का मैग्नीट्यूड की स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में मान रखना आपको, साई जहाँ है उसकी जगह बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, और जहाँ साई स्टार लगा हुआ है वहाँ क्या हो जाएगा? बी ई की पावर प्लस आयोटा के एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं जे इंसिडेंट निकालता हूँ तो आपतित तरंग कौन सी है? ए ई की पावर आयोटा के एक्स। ये पार्ट क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा एच क्रॉस के अपॉन एम इंटू ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर। ये दोनों मान इस फॉर्मूले में रखते हैं अपन। ये हमारा क्या है? जे रिफ्लेक्टेड और ये हमारा जे इंसिडेंट। तो परावर्तन गुणांक आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? बी अपॉन ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर आ जाएगी। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? आर आ गया। इसका मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशियंट हमारा कितना आ गया? बी अपॉन ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मेरे को निकालना हो क्या? पारगमन गुणांक। क्या निकालना हो? पारगमन गुणांक। तो वो क्या आएगा हमारा? पारगमन गुणांक के लिए क्या हो जाएगा? पारगमित धारा घनत्व, पारगमित, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसमिशन कोफिशियंट, पारगमित धारा घनत्व जे टी अपॉन आपतित धारा घनत्व। अर्थात जितनी तरंग आपतित हुई है
उसका कितना पार्ट है वो ट्रांसमिट हो जा रहा है, वो हम क्या बता देगा, ये बता देगा। तो अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ किसको चेंज करना है, जे ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कौन सा है अर्थात पारगमित पार्ट कौन सा है, वो हमारा साई थर्ड है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें ये मान रखते हैं इस फॉर्मूले में साई थर्ड का, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, सी बन जाएगा, बाकी सेम है। तो यहाँ से हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशियंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी अपॉन ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। तो यहाँ से हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशियंट आ गया सी अपॉन ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात हमारी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन अब समस्या हमारे पास क्या आ रही है, बी ए सी ए इनकी वैल्यू हमें नहीं पता, ए बी सी इनकी वैल्यू हमें नहीं पता। अगर इनकी वैल्यू पता चल जाए तो हम मान रख दें और हम आर और टी की वैल्यू बता देंगे कि भाई इतना ट्रांसमिशन होगा और इतना परावर्तन होगा इसका। लेकिन ये है अननोन हमारे पास, ये देखो ए बी एफ जी सी, ये पांचों कोफिशिएंट हमारे क्या है, अननोन। तो अब हमें क्या चाहिए, इन अननोन्स की वैल्यू चाहिए, जिसके लिए हमारे पास कौन सा रास्ता है, इसके लिए रास्ता है हमारे पास अननोन की वैल्यू निकालने के लिए जो रास्ता है वो बाउंड्री कंडीशन है। क्या है, बाउंड्री कंडीशन। इस पोटेंशियल फील्ड में बाउंड्री कहाँ कहाँ है, इस पोटेंशियल फील्ड में जो बाउंड्री है हमारी वो दो जगह है, एक अक्ष इज इक्वल टू जीरो पे है और एक अक्ष इज इक्वल टू ए पे है। तो वहाँ दोनों जगह हम बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे तो ए और बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो परिसीमा प्रतिबंध हम लगाते हैं, परिसीमा प्रतिबंध सबसे पहले कहाँ लगा दें, अक्ष इज इक्वल टू जीरो पे। अक्ष इज इक्वल टू जीरो पे कौन कौन से तरंग फलन है, साई वन और साई टू, ये दोनों मिल रहे हैं। इसका मतलब अगर ये एक वैलिड वेव फंक्शन होगा तो ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। और कंटिन्यूस होने के लिए जरूरी क्या, हमारा साई फर्स्ट क्या होना चाहिए, साई सेकेंड के इक्वल होना चाहिए, साथ ही क्या होना चाहिए, डी साई फर्स्ट ओवर डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू डी साई सेकेंड ओवर dx। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। और कंटिन्यूस होने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कहाँ पे, x इज इक्वल टू जीरो पे। और अगर ये कंडीशन मैं लगाता हूँ तो साई फर्स्ट इज इक्वल टू साई सेकेंड, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, इन दोनों को इक्वल करना है कहाँ पे, x इज इक्वल टू जीरो पे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, अपन जीरो रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा प्रतिबंध a प्लस बी इज इक्वल टू एफ प्लस जी आ जाएगा। ठीक है, और इससे क्या प्रतिबंध आएगा, डी साई फर्स्ट अपन डी एक्स और डी साई सेकेंड अपॉन डी एक्स, इन दोनों का आवकलन करना है पहले और उसके बाद एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है, जीरो रखना है। तो ऐसा आप करोगे तो आपके पास आएगा आयोटा के इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू आयोटा के वन इंटू एफ माइनस जी आएगा। आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी इज इक्वल टू K1 वन अपॉन के इन टू एफ माइनस जी आ जाएगा। दोनों वैल्यू आ गई, इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो लिख लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू एफ प्लस जी, इसको समीकरण एक बोल दें, और a माइनस बी इज इक्वल टू के वन अपॉन के इन टू एफ माइनस जी, इसको समीकरण दो बोल देते हैं। ठीक है, अब लगाते हैं अपन बाउंड्री कंडीशन कहाँ पे, x इज इक्वल टू a पे। कहाँ पे लगानी है, एक्स इज इक्वल टू ए पे। जब एक्स इज इक्वल टू ए पे लगाएंगे बाउंड्री तो एक रिलेशन और आ जाएगा हमारे पास, तो उस केस में हमारा क्या होना चाहिए, साई सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू साई थर्ड, और इनका डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो रख दें मान एक्स इज इक्वल टू ए पे, साई सेकेंड क्या है, एफ ई की पावर आयोटा के वन ए प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के वन ए इज इक्वल टू सी ई की पावर आयोटा के वन, ये आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, एफ ई की पावर आयोटा के वन ए प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के वन इज इक्वल टू सी ई की पावर आयोटा के, इसको समीकरण तीन नाम दे देते हैं अपन, ये यहाँ पे अपना k। ठीक है, अब लगाते हैं अपन ये वाला डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा आयोटा k1 वन एफ ई की पावर आयोटा k1 वन ए माइनस जी ई की पावर माइनस आयोटा k1 वन ए इज इक्वल टू आयोटा k इंटू
सी ई की पावर आयोटा के ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ से आयोटा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, देखो ये सी है और ये भी सी है, दोनों राइट साइड में टर्म सेम है, एफ और जी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, जी और एफ में रिलेशन निकाल सकते हैं इस समीकरण से, इन दोनों समीकरणों से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस समीकरण को हम तीन दे चुके हैं, इसको चार बोल दूँ, तो समीकरण चार और तीन से, अर्थात समीकरण चार एवं तीन से क्या करना है आपको, चार में तीन का भाग देना है। तो राइट साइड को पहले लिख रहा हूँ इसको, तो क्या आ जाएगा, के अपॉन वन आएगा, क्यों, क्योंकि ये कट जाएगा बाकी पार्ट, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में क्या है हमारा, के वन इंटू एफ ई की पावर आयोटा के वन ए माइनस जी ई की पावर माइनस आयोटा के वन ए, और इसमें भाग देना किसका, एफ ई की पावर आयोटा के वन ए प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के वन ए। इसको वज्र गुणा कर लेते हैं, तो के इंटू एफ ई की पावर आयोटा के वन ए प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के वन ए इज इक्वल टू के वन इंटू एफ ई की पावर आयोटा के वन ए माइनस जी ई की पावर माइनस आयोटा के वन ए। एफ और जी दो ही पद बचे हैं, तो इनमें रिलेशन आ जाएगा, एफ वाले पद एक तरफ कर लेते हैं, जी वाले पद एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ देखो के इसको इधर लेके आऊँगा, तो माइनस के वन इंटू एफ ई की पावर आयोटा के वन ए इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में लेके जाऊँगा, तो के किसका हो जाएगा, माइनस का, और के वन ऑलरेडी किसका है, माइनस का, इंटू जी ई की पावर माइनस आयोटा के वन है कि नहीं है, देखो ये के वन ऑलरेडी माइनस का था। तो यहाँ से क्या चाहिए अपने को, अगर मैं जी बटे एफ निकालता हूँ तो ये क्या कर चला गया, उधर चला गया और बाकी सारे इधर आ गए, तो क्या बच गया हमारे पास, के माइनस के वन इंटू ई की पावर आयोटा के वन ए डिवाइडेड बाई, ये बचा इसमें माइनस कॉमन ले लूँ, तो के प्लस के वन और ई की पावर माइनस आयोटा के वन ए, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस के वन अपॉन के प्लस के वन ई की पावर टू आयोटा के वन, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा मान हमारा। तो ये इसको समीकरण पाँच बोल देते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जी और एफ में रिलेशन आ गया, तो जी अपॉन एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है माइनस इंटू के माइनस के वन अपॉन के प्लस के वन ई की पावर टू आयोटा के वन ए, जो समीकरण हमारी क्या है, पाँच। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, यहाँ तक ये इतना हमारा हो गया है। अब आ गया हमारा, आता है परावर्तन और पारगमन गुणांक। तो रिलेशन किस किस में चाहिए, देखो अब ये जो चार समीकरण हमने लिखी हैं, इन चारों समीकरणों से हम क्या निकाल सकते हैं, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो एक नेक्स्ट लेक्चर में हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है, ये जो डेरिवेशन है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसमें कवर हो नहीं पाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे।